छठा प्रश्न कह रहा है 5x-4/6 = 4x+1 - 3x+10/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम चर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो यह पूरा चर राशि है क्योंकि इसमें x है बटा में है, यह आपका चर राशि है और यह चर राशि है, और चर राशि सिर्फ एक है, इसको उधर छोड़ देंगे दाहिना साइड में RHS में, बाकी ये इसको और इसको ये दोनों को ले आएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो यह हो गया 5x-4/6। 4x यहाँ पर क्या है, प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, यह माइनस में इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3x+10/2 = इधर 1 बच जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे भिन्न के जोड़ घटाव की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, भिन्न के जोड़ घटाव में क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। तो यहाँ पर -4x है, यहाँ पर कोई नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 + 1 = 2 का लसा कितना हो जाएगा, 6। तो इसको हल करते थे, क्या करते थे, लसा में हर से भाग लिए, 6 से 6 में भाग देखिए हो गया 1, 1 में अंश में गुना करते हैं, 1 से गुना हो जाएगा 5x में, तो वही सम हो जाएगा 5x-4 माइनस। अब 1 से 6 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6, 6 से गुना कर देंगे 4x में, 6 चौक 24x प्लस 2 से करेंगे तो 2 + 3 = 6, 3 से क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दोनों में ऊपर अंश में गुना करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं भिन्न के जोड़ घटाव में हर से लसा में भाग देते हैं, जितना भागफल आया उससे ऊपर वाले अंश में गुना करते हैं। तो 2 से 6 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 3 से इसमें दोनों में गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9x प्लस 3 से करेंगे तो 10 × 3 = 30 = 1। तो यहाँ पर जो x वाले है उसके साथ x वाले के साथ करेंगे, तो यहाँ x वाला कौन कौन है, एक है 5x 24x, एक है 9x, तो जोड़ वाले को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब जोड़ है, तो यह जोड़ है यह जोड़ है, तो 9 × 5 = 14, ठीक है, हो जाएगा 14x, साथ में कर लेंगे x वाले को -24x, यहाँ +30 है, -4 को उधर कर लेंगे, यहाँ पर -4 है बराबर, यहाँ -6 है बराबर 1, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर चूंकि चिन्ह अलग अलग है, 14x का चिन्ह है यहाँ पर नहीं है, कुछ प्लस है, 24 का है माइनस, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 24 में से 14 जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 10x लिखा जाएगा, चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस प्लस 30 में से 4 गया 26, यहाँ पर देखिए इधर से गुना कर दिए तो यह हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम रह जाएगा, 6 को उधर भेज देंगे, 6 से गुना करेंगे इसको 6 को, तो 6 में से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए इधर हो जाएगा -10x = 6 प्लस में है, 6 लिख देंगे, लेकिन यहाँ 26 यह जो है अचर को एक तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर 26 प्लस में है, उधर जाएगा तो जाएगा माइनस में, तो -26। अब देखिए -10x = यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला घट जाएगा, तो 26 में से 6 गया बचेगा 20, चिन्ह किस चीज़ का है, ज़्यादा वाले का चिन्ह लगेगा, ज़्यादा वाला है 26, तो चिन्ह हो जाएगा -20 = x का यहाँ निकालना है मान, तो -10 को उधर भेज देंगे, यहाँ पर गुना में है, -10 को इधर भेज देना है, तो -20 / -10, यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 से भाग देंगे, 10 × 10 = 10, 10 × 2 = 20, कितना आ गया 2, x का मान आ गया कितना, इसलिए x = 2, हमारा यह x = 2 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। छठा प्रश्न भी हल हो गया, अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर।